खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत हूँ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ तकरीबन अपने गांव से 30-40 किलोमीटर दूर, वहाँ एक नाला डेक है, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी बारिशें तो कम हो रही हैं लेकिन शायद नाला डेक में जो है वो पानी आया हो, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी वो पीछे मेरा गाँव है और बाइक पर बैठा हुआ हूँ अभी, तो ये कच्चा रोड वही जो आपके साथ पहले भी इसकी वीडियो शेयर की थी। तो अभी तकरीबन 40 या 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा नाला डेक, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चले चलते हैं। ये कच्चा रास्ता, इसकी पहले भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं अक्सर जब कहीं दूर जाना हो अपने गांव से तो यही रास्ते से जाता हूँ, इसी रास्ते को इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि पक्का रोड भी है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये साथ साथ इसके ग्रीनरी और सरसब्ज़ खेत और दरमियान में से ये छोटा सा कच्चा रास्ता हमारे गाँव को लगता है, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता लगता है मुझे और मैं अक्सर यहाँ से जाता हूँ। तो अभी हार्ड ड्राइविंग आ गई है, तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। चलें मेन रोड पर जाकर आपसे जो है ना वीडियो। फाइनली पहुंच चुके हैं हम नाला डेक पर। तो अभी ये देखें जी, ये बहुत डस्टी रोड है और गाड़ी जो है बाइक वो बहुत जल्द स्लिप हो जाती है यहाँ पर। तो अभी बहुत मुश्किल से वो देखें जी, काफ़ी दूर जो है वो मेन रोड है, वो पीछे आप देख रहे हैं, और मैं ये कच्चे से रोड से बहुत मुश्किल से इधर आया हूँ। तो अभी मैं नाला डेक के अंदर इन हो चुका हूँ, बाइक यहाँ खड़ी कर दी है और अभी चलते हैं जी, आपको पानी वगैरह दिखाते हैं। पानी आया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले की नस्बत से एक दिन में पहले इधर से गुजरा था, पानी बहुत कम था लेकिन अभी पानी आया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाला डेक के बिल्कुल अंदर, ये भी नाला डेक का ही एरिया है लेकिन यहाँ पर जो है ना पानी नहीं है अभी। तो ये देखें जी, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पानी जा रहा है अभी नाला डेक का जो है। चलें थोड़ी सी अंदर और जाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये पीछे पानी ही पानी है और बहुत ही हसीन नज़ारा है। तकरीबन 8 बजे मैं घर से निकला था और तकरीबन अभी 8:50 हो चुके हैं, 40-45 यानी कि 50 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है बंदा आसानी से। हमारे गांव से तकरीबन है ये कोई 30-40 किलोमीटर है, लेकिन रोड जो है वो बहुत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये देखें जी, ये पानी, ये देखें ठंडा पानी है, ठंडा। ये पानी इंडिया से आता है और जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ पर आप लोगों को पता है कि बर्फ़ पड़ती है। अभी तो मौसम चेंज हो चुका है, आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अभी बर्फ़ पड़ती होगी वहाँ। तो वो जो पहाड़ों से बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी इस नाला डेक में आ जाता है, और जब कभी बारिशें हों, ज़्यादा बारिशें हों, तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ आदमी जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, ये नाला डेक की हदूद है, और पानी इतना हो जाता है कि वो सामने आप ब्रिज बना हुआ देख सकते हैं, पुल बना हुआ है, उसके बराबर पानी हो जाता है। तो अभी नाला डेक के बिल्कुल अंदर हूँ मैं, एक और वहाँ से रास्ता बना हुआ है, तो उधर जाकर आपको दिखाते हैं, पानी के और करीब जाते हैं, और इधर से पानी बिल्कुल वाजह तौर पर नज़र आ रहा है जाता हुआ।
तो यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो पीछे एक मशीन भी खड़ी है, रेत वगैरह यहाँ से जो है वो लोग ले जाते हैं। और यहाँ बताते हैं कि पानी जब आता है तकरीबन देखते देखते 10-15 मिनट में पानी इतना आ जाता है कि बहुत ही पानी हो जाता है यहाँ का। तो अभी बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी पानी जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ, ये पानी जा रहा है ये देखें। तो बैक कैमरे से आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं पानी। बिल्कुल एंड पॉइंट पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप इसके आगे पानी है और काफ़ी गहरा पानी है और बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। तो ये देखें जी कुछ रेत के ठेले बने हुए हैं, यहाँ पर काम जारी है, रेत निकाली जा रही है यहाँ से मशीनरी की मदद से। और जब पानी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फौरन ही जो है ना वो यहाँ से मशीनरी निकाली जाती है। और ये जी नाला डेक का मंजर है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी वो बाइक खड़ी है मेरी, तो चलते हैं वापस और आपको जो है ना वो ब्रिज भी दिखाते हैं जो पुल बना हुआ है नाला डेक का, और वहाँ से जो मंज़र है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वापसी, तो टाइम भी तकरीबन हो चुका है 9:30 का टाइम हो चुका है। तो ये पीछे देख सकते हैं आप पानी ही पानी है और बहुत तेज़ी के साथ पानी जा रहा है। तो अभी वापसी आपको दिखाते हैं पुल का मंज़र, वहाँ से पानी गुजर रहा है ये सारा जो है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी ऊपर से गुज़रती है। और ये पानी कहा जाता है कि पहले ये जो इसका बंद ये नाला डेक का ये नहीं बंधा हुआ था तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था पानी का, तो पानी से लोगों की फसलें और लोगों के जो है वो घर वो पानी में बह जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बांध दिया नाला डेक का, तो अभी कुछ सेफ है माहौल। तो चलें अभी चलते हैं उधर। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, आपके साथ नाला डेक की वीडियो शेयर की। अभी पानी आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से आ रहा है और मैं पुल पे खड़ा हूँ, और ये पीछे आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 10:30 का, तो अभी वापसी घर जाना है और वीडियो को एडिट करके पब्लिश भी करना है आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए अपना और अपने का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।